गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन स्थान माता भाग कौर जी का अंतिम स्थान है। माता जी का जन्म स्थान पिंड वड्डी चबाल, जिला तरन तारण साहिब। जड़े सिंघाने अनंदपुर साहब के किले विच्चों लड़ाई अते भुख तो तंग होके दसवें पातशाह जी नूं बेदावा लिख के दे आए सी। उन्हां 40 सिंघां नूं माता भाग कौर जी ने वापस गुरु चरणा नाल जोड़िया। मुक्तसर साहब विखे जंग करदे हुए 40 सिंघ शहीदी पा गए ते माता भाग कौर जी ओ जंग दे विच जख्मी हो गए। उस समय तो माता भाग कौर जी दसवें पातशाह जी दे नाल ही रहे। उन्हां दे नाल हजूर साहब नंदेड़ आ गए। हजूर साहब नंदेड़ विखे दसवें पातशाह जी गुरता गद्दी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं दे के जथेदार दी सेवा बाबा संतोख सिंह जी नूं बख्श के सचखंड गमन कर गए। उस समय इस गढ़ी इस स्थान दे दो राजे होंदे सी, रुस्तम राव ते बाला राव। इन्हां नूं उस वेले दे बिदर दे हुकूमत ने पुणे दे नेड़े सतारा किले विच उम्र कैद दे बंदी बना रखे सी। उत्थे गुरसिख पहरेदार हर रोज़ गुरबाणी साहिब जी का पाठ करिया करदे। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार से हटै। यह बाणी सुन के राजे कहन लगे, गुरमुखो तुहाडे गुरु इन्ने दयालु हन, इन्ने बलवान हन, साडे बंधन ते दुख कट्टणगे। गुरसिखा ने कहा, तुसी भी सेवा सिमरन भगती करिया करो, गुरु चरणा च अरदास करिया करो, गुरु महाराज तुहाडे दुख ते बंधन जरूर कट्टणगे। राजे भी सेवा सिमरन करन लगे। 40 दिनां बाद धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जेल दे विच प्रगट हो के उन्हां राजियां नूं दर्शन दित्ते। उन्हां नूं उत्थों गुप्त करा के मनमाड़ लिया के छड्डे, जिथे हुण गुरद्वारा गुप्तसर साहिब बनिया है। उत्थों चल के राजे हजूर साहब आए। हजूर साहब तो माता भाग कौर जी उन्हां दी बेनती करन तो उन्हां दी रखिया करदे हुए उन्हां नाल इत्थे जनवाड़ा बिदर आए जी। गढ़ी दे उत्ते हमला करके राजियां नूं गढ़ी विखे पहुँचाउणा कीता। माता जी जदों हजूर साहब वापस जाण लगे, राजियां ने बेनती की, माता जी हुण तुसीं इत्थे ही रहना करो, असीं तुहाडी सेवा करना चाहुंदे। उन्हां दी बेनती नूं प्रवान करके माता जी इत्थे ही रहना कीता। इत्थों नानक चीरा साहब जाके इशनान करदे, सिखी का प्रचार करके वापस राजियां दे गढ़ी चले आउंदे। माता जी उन्हां राजियां दी रखिया करदे होए, सेवा सिमरन करदे होए इसे अस्थान ते गुरपुरी सिधार गए। इस करके माता जी का अंतम स्थान बनिया है जी। उस वेले दियां दो पुरातन निशानियां कंध ते खूह, आप जी सारे दर्शन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।